नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भाग एक की पहली इकाई प्लेटो से पहले के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे यूनान के क्रमबद्ध राजनीतिक चिंतन और दर्शन का विकास प्लेटो से पहले की जो चिंतक हैं सोफिस्टो और सुकरात से होती है सोफिस्टो को इससे पहले के व्याख्यान में हम पढ़ चुके हैं आज हम जानेंगे सुकरात को इस चर्चा में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है सुकरात कौन थे सुक्रात के दार्शनिक विचार क्या हैं राजनीतिक चिंतन में सुक्रात का क्या योगदान रहा और सुकरात के बाद उभरी सिनिक्स विचारधारा और साइरेनिक्स विचारधारा पे के कुछ बिंदुओं पे भी हम चर्चा करेंगे सुक्रात कौन थे प्राचीन यूनान में सुकरात का जन्म फोर ईसा पूर्व के आसपास हुआ सुकरात एक महान दार्शनिक विचारक शिक्षक और सैनिक थे जो दृढ़ चरित्र और नागरिक कर्तव्यों का पालन करते थे सुकरात के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं पर प्रमाणिक रूप से कम ही चीजें उनके संदर्भ में हैं। बहुत से जो राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने सुकरात के विषय में लिखा प्लेटो जेनोफन एरिस्टोफेनस जैसे विचारकों ने सुकरात के विषय में लिखा पर उनमें आपस में सिमिलरिटी नहीं है मुख्यतः प्लेटो ने जो सुकरात का चित्रण किया है उसे ही प्रमाणिक माना जाता है और सुकरात के विषय में अगर हम देखें तो सुकरात एथेंस की ओर से कई बार सशस्त्र सेना में उन्होंने कई युद्ध लड़े वह एथेंस की परिषद के सदस्य भी रहे थ्री नाइन्टी नाइन ईसा पूर्व में जब वो सत्तर वर्ष की उम्र के थे तो उनपे मुकदमा चलाया गया और उन्हें प्राणदंड दे दिया गया आरोप था कि उन्होंने उस समय माने जाने वाले नगर के देवताओं पर विश्वास नहीं किया नगर देवताओं की जगह कल्पित देवताओं को स्थापित करने की कोशिश की और उस समय के जो युवा थे उनको भ्रष्ट करने का काम उन्होंने किया ये उनपे आरोप लगाया गया सुकरात की जो बौद्धिक गतिविधियां थी उससे घबराकर सत्ता द्वारा उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया था सुक्रात के अगर हम दार्शनिक विचार देखें तो बहुत से उन्होंने जो नई चीजें वो लेकर के आए जैसे कि सद्गुण ही ज्ञान है लोकतंत्र पर उन्होंने प्रहार किया विशेषज्ञता पे उन्होंने बल दिया और दो ज्ञानों का जो सिद्धांत है उन्होंने प्रतिपादित किया कानून के पालन पर वो बहुत ज्यादा जोर देते थे पहले हम बात करते हैं जो उन्होंने दो ज्ञान का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रीन ऑफ टू नॉलेज की बात की उसमें वे अनुभाविक ज्ञान की बात करते हैं जो ऐसा ज्ञान जो इंसान को जो मनुष्य को अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है सुकरात ये मानते हैं कि जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है वो एक तरीके से मत है यानी कि ओपिनियन है इसका मजबूत आधार नहीं होता है और जो ओपिनियन है वो बदल सकते हैं यानी कि परिवर्तित हो सकते हैं जब वो दो ज्ञान के सिद्धांत में दूसरे ज्ञान की बात करते हैं यानी कि रियल जो नॉलेज की या जो वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है वो कार्य कारण पर आधारित स्थायी ज्ञान होता है यानी कि जो बदलता नहीं है सुकरात का विचार था कि हर भौतिक वस्तु के पीछे एक और तत्व छिपा रहता है जो शाश्वत होता है जो अटल होता है यानी कि जो बदलता नहीं है सुकरात ये मानते हैं कि उस वास्तविक ज्ञान को जानना हर मनुष्य का कर्तव्य है उनका जो दूसरा जो विचार था कि सद्गुण ही ज्ञान है virtue इज नॉलेज सुकरात का मानना था कि सुक जो सदगुण है वह ज्ञान है और अज्ञान ही पाप का कारण होता है वो मानते हैं कि मनुष्य अज्ञान के कारण ही पाप की ओर बढ़ता है सुकरात के लिए ज्ञान आत्मिक अनुभूति है। सुकरात मनुष्य को सत्य व ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ उसके अनुसार चलने यानी कि उसके अनुसार आचरण करने पर भी जोर देते हैं सुकरात ने लोकतंत्र पर प्रहार किया उस समय जो प्रचलित लोकतंत्र था उसकी आलोचना सुकरात ने की क्योंकि जो उस समय का जो लोकतंत्र था उसमें प्रशासनिक अधिकारी सेनापति न्यायाधीश इन सब की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम सिस्टम से होती थी जैसे कि हमने जब हम सॉफिस्टो पढ़ रहे थे उसमें भी हमने जाना कि जो न्यायाधीश थे वो लॉटरी सिस्टम से चुने जाते थे ऐसे में अयोग्य व्यक्ति भी उच्च पदों पर नियुक्त हो सकते थे और कभी भी राज्य के लिए संकट बन सकते थे इसीलिए जो सुकरात हैं उन्होंने इसका विरोध किया जो उस समय लोकतंत्र था उसमें सभी का मत यानी कि जो विशेषज्ञ है और साधारण इंसान है उसका मत बराबर था इसका हमेशा जो सुकरात हैं उन्होंने विरोध किया सुकरात ने विशेषज्ञता पे बल दिया उन्होंने माना कि जो शासन का संचालन है उसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है वो कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे कामों के लिए विशेषज्ञ को ढूंढते हैं जैसे जब हम जूते का की मरम्मत करवाते हैं तो हम एक अच्छे आ, मोची को ढूंढते हैं तो वहीं जब हम शासन जैसे के संचालन की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो शासन का संचालन है वो एक विशेषज्ञ प्रशासनिक कला में दक्ष व्यक्ति को ही शासन का काल, काम दिया जाना चाहिए सुकरात लोकतंत्र की जगह बुद्धिमान कुलीन व्यक्तियों का जो द्वारा राज्य को शासित करना चाहता था यानी कि एरेस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट की वो बात करते हैं और सुकरात ने ज्ञान की संप्रभुता का समर्थन किया उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होनी चाहिए या है कानून के संबंध में सुकरात का जो विचार है वो बहुत ही ज्यादा इस कानून को मानने वाले व्यक्ति थे सुकरात मानते हैं कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है और जो उनकी कानून पालन की आस्था है उसका प्रमाण उन्होंने यह देकर हम देख सकते हैं कि जब उन्हें विस्पान का करके दंड स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया हालांकि उनके पास पर्याप्त जो चांसेस थे कि वो भाग सकते थे पर उन्होंने कारागार से भागने से मना कर दिया जबकि वो आसानी से वहां से भाग सकते थे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कानून पर उनकी आस्था थी और उन्होंने हंसते हंसते जो प्राण दंड है उसे भी स्वीकार कर लिया अब प्रश्न आता है कई बार कि क्या जो सुकरात हैं वो एक सोफिस्ट थे इससे पहले हम सोफिस्ट पढ़ चुके हैं तो हमने देखा कि जो सोफिस्ट हैं वो एथेंस के निवासी नहीं थे और वहीं हम जब सुकरात को देखते हैं तो सुक्रात एथेंस के निवासी थे यानी ग्रीक स्टेट एथेंस के निवासी थे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोफिस्ट के गुण कई गुण हैं जो सुकरात में हैं पर उन्हें सोफिस्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो सोफिस्ट थे वो एक पेशेवर शिक्षक होते थे जबकि सुकरात जो अपना ज्ञान विद्यार्थी उनको शिक्षा देते थे उसका वो वेतन नहीं लेते थे जबकि जो सोफिस्ट हैं वो उसका वेतन लेते थे सोफिस्ट के लिए जो अच्छाई है वो एक कला थी जबकि सुकरात के लिए अच्छाई आत्मा का गुण थी जो राजनीतिक चिंतन है उसमें सुकरात का बहुत ज्यादा योगदान रहा है उसमें अगर हम देखें तो सुकरात ही हैं जिन्होंने जो फिलॉसफ़ी है दर्शन है उसका बीज बोया था और उन्होंने हमेशा प्रत्येक की खोज यानी कि आइडिया की खोज पे बल दिया उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें जो रीज़न है जो आइडिया है उसे हमेशा खोजते रहना चाहिए प्रश्न उत्तर प्रणाली को उन्होंने उनकी जो चिंतन की प्रणाली थी वो डायलेक्टिक थी यानी कि वो प्रश्न पूछ के उसके उत्तर खोज खोजने वाली प्रणाली के पे बल देते थे सुकरात की ही इस प्रणाली को बाद में प्लेटो ने भी अपनाया और सुकरात को दर्शन की बेदी पर बलि देने वाला शहीद भी कहा जाता है उन्होंने अपनी ये दर्शन की शुरुआत की वजह से ये अपने चिंतन की शुरुआत की करने की वजह से ही उन्हें प्राणदंड दिया गया था ज्ञान की जो संप्रभुता है उसका सिद्धांत सुकरात ने दिया था और उनका मानना था कि ज्ञान से ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं हो सकता है उन्होंने विशेषज्ञ शासन की अवधारणा भी लेकर के आए बाद में जिन्हें जिसे प्लेटो ने भी अपनाया और उन्हें शासन का काम देने की बात की जो उस काम के लिए उपयुक्त है तो इस तरीके से जो सुकरात है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक चिंतन में और इसीलिए पार्कर ने भी उनके विषय में लिखा है कि यूनानी राजनीतिक विचारों का भावी विकास उस विचार प्रणाली के आधार पर हुआ जिसकी नींव सुकरात ने डाली थी तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुक्रात से प्रभावित होकर ही उस समय दो विचारधाराओं का उदय हुआ जो है सिनिक्स और साइरेनिक्स विचारधारा अब हम चलते हैं और देखते हैं कि सिनिक्स तथा साइरेनिक्स विचारधारा क्या थी आ, सुक्रात की शिक्षाओं से प्रभावित होकर यूनान में नई विचारधाराओं का जन्म हुआ सिनिक्स विचारधारा जिसके प्रवर्तक थे विचारधारा तथा साइरेनिक्स विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी दोनों विचारधाराएं विश्व बंधुत्व तथा विश्व नागरिकता की वकालत करती हैं ये विचारधाराएं सादा जीवन और पवित्र विचार से प्रेरित हैं Osionfish. प्रकृति की ओर लौटने की बात करती हैं और प्रकृति के हिसाब से जीवन जीने की बात ये विचारधाराएं करती हैं और प्रकृति के ऊपर आधिपत्य के खिलाफ ये दोनों विचारधाराएं हैं दोनों विचारधाराओं के विचारों का, का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है ये राज्य परिवार समाज जैसी संस्थाओं का विरोध करते हैं दोनों ही विचारधारा राज्य को अनावश्यक मानते हुए विश्व बंधुत्व एवं मानवीय समाज की आ, को महत्व देते हैं तो आज हमने देखा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विचारक जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजनीतिक दार्शनिक हैं सुकरात उसके विषय में आज हमने जाना उन्होंने कैसे अपने बाद आने वाले विचारकों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की वो हमने जाना और प्लेटो तो पूर्णतः उनके ही शिष्य थे और प्लेटो के बाद अरस्तु जो प्लेटो से प्रभावित होकर के अपने जो विचार हैं वो पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुकरात है वो एक तरीके से इसका प्रारंभ करते हैं और आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम प्लेटो को डिस्कस करेंगे तो आज का जो व्याख्यान है उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं धन्यवाद